बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं, समझना है, ठीक है। अपलोड्स ऑन रिक्वेस्ट 12 है। यासिर नदीम फ्रॉम माय सिटी हैदराबाद। लॉगरिदम यूनिट नंबर 3 है। सिंटेक्स्ट बुक बोर्ड मैथमेटिक्स, और ये रहा इसका एक्सरसाइज 3.3। हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 लेक्चर 4 पार्ट 1 जो है ये आज हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है, ठीक है भाई। तो अब 3.2 3.1 में हमने क्या किया, जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी वो लाजमी देख लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने ऑर्डिनरी फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन को देखा और उनकी कन्वर्जन को देखा, और उसके बाद हमने साइंटिफिक नोटेशन से लॉगरिथमिक फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्जन को देखा। अब हम लॉज को देखेंगे। ये लॉज ऑफ लॉगरिदम कहलाते हैं, लॉज ऑफ लॉगरिदम। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों का इन लॉज के ऊपर जो है ना अच्छे से ग्रिप करना ज़रूरी है। मैं कहता हूँ कि रटना नहीं, समझना है। नहीं भाई, कुछ जगहों पर आपका रटना भी ज़रूरी है। आपको ये लॉज जो हैं पहले अच्छे अच्छे पक्के पक्के रटने होंगे, जहन नशीन करने होंगे। कौन कौन से लॉज हैं? ये 3 लॉज हैं, मैं आपको बता देता हूँ। लॉग ए बी बराबर है लॉग ए प्लस लॉग बी के। दूसरा जो लॉ है वो है लॉग ए अपॉन बी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी। और तीसरा जो लॉ है वो है लॉग ए बी पावर की शक्ल में, ये किसके बराबर है? बी लॉग ए के। लिख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। पहला जो लॉ है इसके अंदर आप देखें क्या खास बात आपको नज़र आ रही है। ए और बी आपको मल्टीप्लाई की फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। दो वेरिएबल्स, दो नंबर्स, अगर उनके दरमियान कोई साइन नहीं है तो समझ जाइए उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। यानी कि हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, मल्टीप्लाई को हम कन्वर्ट होते हुए देख रहे हैं प्लस में। मल्टीप्लाई को किस में कन्वर्ट होते हुए देख रहे हैं हम? प्लस में। जी बिल्कुल, ए भी अलग हो गया, बी भी अलग हो गया, ए अलग हो गया, बी अलग हो गया, दोनों के साथ लॉग भी लग गया, बीच में प्लस भी आ गया। ये होने से पहले ए और बी के दरमियान क्या था? मल्टीप्लाई का साइन था, ठीक है। अब लॉग ए अपॉन बी, ये तो डिवाइड वाला है, ये किसके बराबर होगा? ये माइनस के बराबर होगा। यानी कि हम देखते हैं कि डिवीजन जो है वो सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो रही है यहाँ पर। समझ में आ रही है बात? इसको आगे एक्सप्लेन करूँगा, अभी देख लीजिए। ए अपॉन बी किस में कन्वर्ट हो रहा है? लॉग ए माइनस लॉग बी में, ठीक है। उसके बाद लॉग ए के ऊपर बी की पावर है, ये किसके बराबर हो रहा है? ये छोटी सी जो पावर है बी, ये यहाँ पर आ रही है, बस इतना काम हो रहा है। क्या हो रहा है? ये छोटी सी जो पावर है वो यहाँ आके ये बी आ गया साथ में, और लॉग ए। ये 3 लॉ है, आप इसको पावर लॉ भी कह सकते हैं, पावर लॉ ऑफ लॉग, याद रखने के लिए। समझ में आ गई बात? तो ये पहले आप रट लें अच्छे तरीके से। अब इसका फायदा क्या है? फायदा भी तो कोई होगा ना, अगर ये लॉज बनाए हैं तो इनका फायदा भी तो कोई होगा। बहुत ज्यादा फायदे हैं भाई। कौन कौन से? मिसाल के तौर पर अगर आपको एक क्वेश्चन मिलता है जिसमें दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई की फॉर्म में हैं, आप उनको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, काफ़ी मुश्किल काम है, ठीक है। क्यों? क्योंकि नंबर्स बहुत बड़े बड़े हैं। ए जो नंबर है वो भी बहुत बड़ा है और बी जो नंबर है वो भी बहुत बड़ा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो मल्टीप्लाई करने पर आता ही बड़ा है। तो आसान हल ये है कि आप उसके साथ लॉग अगर लगा देंगे तो अब उन दोनों को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि लॉग लगने के बाद ये फर्स्ट लॉग की सिचुएशन बन जाती है, मल्टीप्लाई वाले लॉग की, लॉग का। और वो ये कहता है कि जनाब ये दो जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आप इनको अलग अलग करके बीच में प्लस लगा दें। अब ये जो एक नंबर है इसका भी लॉग ले लीजिए, ये जो दूसरा नंबर है इसका भी लॉग ले लीजिए, और प्लस लिखा हुआ फिर प्लस कर लीजिए, तो आपका वही जवाब आएगा जो कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हासिल करते हैं। तो ये है फायदा। इसी तरह दो नंबर्स हैं,
जिनको आप डिवाइड करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर डिवाइड कर रहे हैं तो बहुत बड़े नंबर्स हैं, तो हल क्या है, उसका लॉग लगा दें आप। जैसे ही लॉग लगेगा उस डिवाइड वाली सिचुएशन पे, फॉर एग्जांपल ए और बी दो नंबर्स हैं जो कि आपस में डिवाइड हो रहे हैं, आप उनको डिवाइड ना करें, उनके साथ ये लॉग लगा दें, एल ओ जी लिख देंगे, तो ये सेकंड लॉ वाली सिचुएशन बन जाएगी। अब क्या होगा, आप लॉग ए निकालिए और बी का भी लॉग निकालिए और उनको आपस में माइनस कर दें, तो आपका जवाब बिल्कुल वही आएगा जो डिवाइड करने पर आता। बात समझ आ रही है? तीसरा लॉ जो लॉग का है वो पावर का है, मतलब कोई ऐसा, हम बहुत सारे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब और पता नहीं कितने कितने हमारे पास जो है पावर्स वाली सिचुएशंस हैं, तो वहां पर हम जो है अगर ये लॉग लगा देते हैं तो फिर ये पावर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि 2 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, ये करने की नीड नहीं है, बल्कि जैसे ही ऐसा नंबर जिसके ऊपर पावर लगी हुई है उसके ऊपर आप जब ये लॉग लगा देंगे तो थर्ड लॉ अप्लाई हो जाएगा लॉग का, और ये पावर उठ के यहां आ जाएगी। ठीक है, अब आप क्या करें, आगे जो नंबर है ठीक है उसका लॉग ले लें, और जो आंसर आए उसको इस बी से मल्टीप्लाई कर दें। याद रहे ये बी क्या है, ये वही पावर वाली सिचुएशन है। ठीक है, ये मैंने एक ओवरव्यू दिया है इनका भी, अभी हम एक क्विक क्वेश्चन करते हैं ना इसको, तो हम इसका फायदा देखेंगे। तो याद रहे, दोबारा बता दूं, ये मल्टीप्लाई की सिचुएशन है जिसमें प्लस आ रहा है, ये डिवाइड की सिचुएशन है जिसमें माइनस आ रहा है, और ये पावर की सिचुएशन है इसमें पावर खत्म होकर यहाँ पर आपकी कॉफिशेंट की शक्ल में आ रही है। ठीक है, ठीक हो गया सर, मिटा दीजिए, ये मैंने इसको मिटा दिया, ये लॉज हो गए। इन्हीं का यूज है 3.3 के अंदर। अब इसका एक क्विक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि अच्छे से हमारे जहन में ये बैठ जाए। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1, ये रही आपकी मैथमेटिक्स। ठीक है, कह रहे हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग लॉगरिदम्स, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लॉगरिदम, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, लॉग लिख दिया मैंने, लॉगरिदम इन टर्म्स ऑफ लॉग ए एक्स कॉमा लॉग ए वाई कॉमा और लॉग ए जेड। सवाल को समझते हैं पहले, एक्सप्रेस का मतलब है लिखिए, क्या मतलब है एक्सप्रेस का, लिखिए द फॉलोइंग नीचे दिए गए लॉगरिदम्स को। तो एक बात तो हमें समझ में आ गई कि अब हमें मिसाल के तौर पर ये जो सवाल दिए जा रहे हैं ये क्या है, ये लॉगरिदम्स हैं। ठीक है, इन लॉगरिदम्स को हमने किस शक्ल में लिखना है, इन टर्म्स ऑफ का मतलब है किस शक्ल में लिखना है, लॉग ए एक्स की शक्ल में लिखना है, लॉग ए वाई की शक्ल में लिखना है और लॉग ए जेड की शक्ल में लिखना है। पहला देखते हैं, पहला हमारे पास है लॉग ए, ये बेस है, उसके बाद एक्स क्यूब वाई अपॉन जेड स्क्वायर, इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, लॉग लगा हुआ है किसके साथ, ये डिवाइड का साइन है। ठीक है, मतलब एक्स पावर एक्स क्यूब वाई जेड स्क्वायर के साथ डिवाइड की फॉर्म में है। कुछ याद आया आपको? जी, फर्स्ट लॉ, ये सेकंड लॉ क्या कहता है, ए अपॉन बी, कोई भी क्वेश्चन अगर आपका डिवाइड की शक्ल में, तो किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको माइनस में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, तो हम इसको भी माइनस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा लॉग ए एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस लॉग जेड स्क्वायर। ठीक हो गया, अब कहाँ ये एक्स और वाई आपस में मल्टीप्लाई की फॉर्म में, बिल्कुल है, लॉग भी लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है, तो इसका मतलब हमारे पास फर्स्ट लॉ जो है मल्टीप्लाई वाला वो अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, ये वाला लॉग ए बी बराबर है लॉग ए प्लस लॉग बी के, हो रहा है अप्लाई।
तो यहाँ पर भी वो लॉ भी अप्लाई कर देते हैं हम, लॉग ए एक्स क्यूब प्लस लॉग वाई माइनस लॉग जेड स्क्वायर। ठीक है भाई, लॉग एक्स क्यूब प्लस लॉग वाई माइनस लॉग जेड स्क्वायर। अब कोई लॉ लग रहा है? नहीं, अब तो कोई लॉग लॉ लग ही नहीं रहा। एक्स वाई जेड थे, पहले डिवाइड के फॉर्म में थे, सेकंड लॉ लग गया, फिर मल्टीप्लाई के फॉर्म में नजर आया, फर्स्ट लॉ लग गया। हाँ, थर्ड लॉ की गुंजाइश है, बिल्कुल ये रहा। क्यों? क्योंकि एक्स के ऊपर पावर लगी हुई है। थर्ड लॉ हमारा पावर वाला तो लॉ है, याद है क्या था? ये था लॉ ए बी बी लॉग ए, मतलब जो पावर लगी हुई है वो सिर्फ उठ के बराबर में आ जाएगी यहाँ पर, बस इतना ही काम है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये क्या लिखा हुआ है, थ्री। तो ये थ्री लॉग ए एक्स प्लस लॉग ए वाई माइनस ये स्क्वायर लगा हुआ है। थर्ड लॉ यहाँ भी लग सकता है, बिल्कुल ये टू आ जाएगा इसके बराबर में, लॉग जेड। ये आंसर आपका आ गया, यही तो कहा था उसने। क्या कहा था? लिखिए द फॉलोइंग, नीचे दिए गए क्वेश्चंस को, नीचे दिए गए लॉगरिदम्स को इन टर्म्स ऑफ, किस शक्ल में लिखना है? लॉग ए एक्स, देख लीजिए, थ्री लॉग ए एक्स लॉग ए वाई प्लस लॉग ए वाई लॉग ए जेड माइनस टू लॉग ए जेड। ठीक है भाई, अब यहां पर ये जो लॉज हैं, हो सकता है बच्चे कंफ्यूज हो रहे हो, सर हमारी तरफ तो एम और एन को इस्तेमाल किया गया, आपने ए बी में लिख दिया, हमारी तरफ तो सी और डी में इस्तेमाल किया गया, आपने जो है वो ए और बी में लिख दिया। भाई इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ग्रो अप, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वेरिएबल्स हैं। आप सी डी कर दें, आप एफ जी कर दें, आप अलिफ बे ते लगा दें, आप अलिफ बे ते लगा दें, जो दिल करे आपका लगा दें, आप अपने नामों को लगा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो अल्फाबेट्स, ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है, इनका तो अपनी तरफ से कोई दूसरे लगा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन नंबर वन हमारा आज हो गया, एक्सरसाइज 3.3 का, और लॉज भी हो गया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, कोई भी गलती हो, कोई प्रॉब्लम हो, अरे हाँ, जाने से पहले ये आंसर तो टैली कर लें। टैली करेंगे भाई, बिल्कुल। मैं कोई वो रंचोसदार, क्या नाम था उसका, उसमें थ्री इडियट्स में रंचोसदास छाछड़, मैं वो तो नहीं हूँ, मेमोरी बहुत ज़्यादा वीक है। देख लेते हैं 3.3, हाँ, थ्री लॉग ए एक्स प्लस लॉग ए वाई माइनस टू लॉग ए जेड, देख लीजिए भाई, ठीक हो गया, ठीक हो गया सर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अगेन नो लाइक नो सब्सक्राइब ओनली शेयर।